जय शिव शंकर। मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं आपको रुद्राभिषेक की पावर बताऊंगा, रुद्राभिषेक का महत्व समझाऊंगा और दो टुक में ये बतलाऊंगा कि रुद्राभिषेक का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, रुद्राभिषेक का अर्थ पहले जान लीजिए। रुद्राभिषेक का मतलब रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिव का अभिषेक। रुद्र ही शिव हैं और शिव ही रुद्र हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, दुखों के नाश के लिए शास्त्रों में रुद्राभिषेक कराने की आज्ञा दी गई है। हम जो दुख भोग रहे हैं वो हमारे पापों का नतीजा है। उन्हीं दुखों और पापों के समूह को नष्ट करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। मित्रों, अगर आपने कभी रुद्राभिषेक नहीं किया तो एक बार करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि रुद्राभिषेक कितनी अद्भुत चीज़ है। रुद्राभिषेक की कराने के लिए बिल्कुल उत्तम समय होता है श्रावण मास, सावन। सावन में अगर आपने एक बार भी रुद्राभिषेक करा लिया तो आपको इसकी पावर समझ में आ जाएगी। विशेष फल होता है, मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, नहीं तो फिर सोमवार या प्रदोष या त्रयोदशी। मित्रों, रुद्राभिषेक कराने से हमारे तीनों ताप जलकर भस्म हो जाते हैं और हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी रुद्राभिषेक कराने की सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।